हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास ऑफ स्टैंडर्ड 3, सब्जेक्ट मॉरल वैल्यू, चैप्टर 5, वी आर 1. इन दिस क्लास वी शैल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. गांधी जी पुल्ड आउट अनदर कार्ड फ्रॉम द पैक एंड शोड इट टू द पीपल. गांधी जी ने एक दूसरा कार्ड जो है उठाया और कहा और लोगों से कहा, दिस इज़ ए किंग, ही इज़ वेरी पावरफुल. दोज हु प्ले कार्ड्स नो हिज इम्पोर्टेंस. विद दिस कार्ड यू कैन विन ओवर दोज हु हैव ए जैक और क्वीन. यह राजा है, यह बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है. कार्ड दिखाते हुए गांधी जी ने उस लोगों से कहा, और जो ताश के पत्ते ताश खेलते हैं, जो कार्ड को खेलते हैं, वे इसके महत्व को, राजा की महत्ता को समझते हैं. इस कार्ड के द्वारा जो है अब तुम जो है उस पर भी जीत सकते हो, उससे भी जीत सकते हो जिसके पास जो है जैक और रानी है. गांधी जी ड्रू आउट एन एग फ्रॉम द पैक एंड हेल्ड इट अप. ताश के पैकेट में से एक कार्ड निकाला और उसे सबसे ऊपर रखा. ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वर्णन किया, समझाया लोगों को. दिस कार्ड इज द मोस्ट पावरफुल वन. हूएवर हैज एन एग कैन डिफीट द पर्सन विथ जैक, ए क्वीन और इवन ए किंग. और कार्ड को फिर उसमें से एक कार्ड निकालते हुए उन्होंने दिखाया, यह एक है, जो एक जिसके पास एक है वह उन लोगों को भी हरा सकता है जो इक्का. इक्का के बारे में समझाया, जो इक्का जो है यह बहुत शक्तिशाली है, यह उनके पास उन्हें भी हरा सकता है जिनके पास जैक है, जिसके पास जो कि राजा और रानी के जो है, जिनके पास राजा और रानी है उन्हें भी इस कार्ड के द्वारा हराया जा सकता है. एवरी वन लिसेंड एज गांधी जी कंटिन्यूड, इक्का स्टैंड्स फॉर यूनिटी. प्रत्येक सभी व्यक्ति जो है गांधी जी की बातों को सुन रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे. जो इक्का जो है वह यूनिटी के लिए, एकता के लिए खड़ा है. इफ ऑल इंडियंस यूनाइटेड देन टुगेदर वी कैन विन ओवर जैक हु स्टैंड्स फॉर स्लेवरी. वी कैन विन ओवर क्वीन एंड किंग हु रिप्रेजेंट द ब्रिटिश रूल. ओनली इफ वी आर यूनाइटेड वी कैन वी गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इंग्लिश. तो हम लोग जो है एक साथ मिलकर जैक को जीत सकते हैं जो गुलामी के लिए खड़ा है. हम रानी और राजा पर जीत हासिल कर सकते हैं जो ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं. अगर हम केवल एकजुट हों तो क्या हम ब्रिटिश शासन के से स्वतंत्र नहीं स्वतंत्र हो सकते हैं? अगर हम लोग एक साथ हो जाएंगे तो हम लोग उससे स्वतंत्र हो जाएंगे. पीपुल अंडरस्टूड वाट गांधी जी वॉज ट्राइंग टू से. लोग जो है समझ गए जो गांधी जी उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं. टुडे वी आर ए फ्री कंट्री बिकॉज लॉन्ग बैक पीपुल हैड यूनाइटेड टू फाइट फॉर फ्रीडम. हम जो है आज एक आज़ाद देश हैं, आज हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग आज़ाद देश कहलाते हैं क्योंकि आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लंबे समय से जो है लोग एकजुट थे. बहुत लंबे समय तक लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया आज़ादी के लिए, इसलिए आज हम लोग जो है एक आज़ाद देश कहला रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स.